हुआ सवेरा फिर एक मुस्कान लेके, रात की खामोशी ने मानो चुप्पी ले ली थी। जिंदगी का यही तो सार है, नई शुरुआत के साथ हर कोई अपना अतीत भुला बैठता है, पर मुझे तो आज भी उस अतीत में जाने की तमन्ना है। पापा की लाडली थी मैं, मेरा प्यारा बेटा करके पुकारा करते थे, हरकत ही कुछ ऐसी थी मेरी। हाँ, बचपन में कहते थे कि काश एक बेटा होता, बस तब से यही कोशिश रही थी मेरी कि उनका चहिता बेटा बन जाऊं। भाग्यश्री, माँ की तो हर समय एक ही शिकायत, कहती थी कब ये लड़की नक्शों के आकार छोड़ गोल रोटियां बनाना सीखेगी। कैसे बताती आपको माँ कि इन नक्शों में ही तो मेरे शौक मेरे सपने छुपे थे। फिर तो बस जाने कैसे जिंदगी ने मोड़ ले लिया, माँ पापा ने पराया कर एक अलग ही बंधन में जोड़ दिया। कहते हैं ये अटूट होता है, पर मानो जिंदगी थम सी गई थी। ईश्वर में निष्ठा तो आज भी उतनी ही थी, पर जिंदगी को कैसा रूप दे रहा था वो, उसकी खबर न थी। कहते हैं ना, बरसों से खिलने की राह देख सपने संजोती कली को कभी झड़ते पत्तों में भी अपना आशियाना लेना पड़ता है। अजनबी सी इस भीड़ को अपना तो ना पाई, पर उसका हिस्सा जरूर बन चुकी थी। जिंदगी के अधूरे रंग फीके ही सही, भरना सीख चुकी थी, जिंदगी को समेटना सीख चुकी थी। पर अचानक बरसों पुराना जिद्दी सपना लड़खड़ाते हुए लौट ही आया। और उस भोलेपन, मुस्कान और मासूमियत ने जैसे जैसे जिंदगी के सारे उलझे हुए तार सुलझा दिए। आखिर हो ही गया था चलने की ख्वाहिश रखते मुसाफिर को घर से प्यार। रुकने का, गिरने का, संभलने का और आगे बढ़ने का नाम है जिंदगी, शायद अल्पविराम है जिंदगी। हर कोई कभी ना कभी किसी न किसी को अपनी जिंदगी में दूसरा मौका दे ही देता है, क्यों ना जिंदगी को ही दूसरा मौका दे दिया जाए।